बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत किसान आंदोलन पर और जातिगत जनगणना पर बयान देकर बुरा फंस गई हैं। अपनों ने ही कंगना को घेर लिया है। जी हां, बता दें कि किसान आंदोलन पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने तो कंगना के बयान से किनारा कर ही लिया है, साथ ही बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी कंगना के बयान पर आपत्ति जताई है। वहीं अब कंगना के एक और बयान को लेकर घमासान मचा है। उस बयान को लेकर सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि किसान आंदोलन जातिगत जनगणना को लेकर बयान देना कंगना रनौत को महंगा पड़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत जाति जनगणना को लेकर दिए गए अपने बयान पर चौतरफा घिर गई हैं। उनकी पार्टी भाजपा समेत सहयोगी दल लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर कंगना रनौत के बयान पर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बीजेपी की मालकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो काम किसी ने नहीं किया है वह भाजपा कर रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर विवादित बयान देकर घिरी बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत अब जाति आधारित जनगणना को लेकर चर्चा में हैं। कंगना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे नेक रहेंगे वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। उनके इस बयान ने विपक्षियों को बीजेपी पर हमला बोलने का एक और बड़ा मौका दे दिया है। वही आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के सहयोगी दल हमेशा से आवाज उठाते रहे। हाल ही में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर बयान दिया था। जातिगत जनगणना को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है कांग्रेस सपा और बसपा नहीं करा पाई है। चाहे वह धारा 370 ही क्यों ना हो, जातिगत जनगणना भी मोदी जी कराएंगे। पार्टी विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार के 36 जिलों में पूरी तैयारी है, संगठन तैयार हो गया है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है। उत्पत्ति की जननी है। हम 22 साल से जातिवाद जनगणना की बात भारतीय समाज पार्टी करती आई है, लेकिन जब ये सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, तो ये लोग जातिवाद जनगणना इन लोगों को उस समय याद नहीं आया। उस समय याद इन लोगों को सिर्फ ये आया कि पिछड़ों का हक लूटो, दलितों का हक लूटो, मुसलमानों का हक लूटो, यही इन लोगों के दिमाग में था। सत्ता से बाहर होते हैं, जब बेदखल हो जाते हैं तब इनको याद आता है। और जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। जिस तरह आपके महिला आरक्षण पास हुआ, ये लोग की सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं किए? 370 धारा हटी, आज अमन चैन है वहां। तो इसी तरह जब देश में जातिवाद जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। तो एक तरफ कंगना कह रही कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जिसका जवाब राजभर ने दिया, तो कंगना इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर बयान आया था, जिस पर खूब हो हल्ला हुआ। बता दें कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। कंगना रनौत ने आगे कहा था कि विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था, नहीं तो इन उपद्रवियों की बहुत लंबी योजना थी और वे देश में कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना रनौत के इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ और किसान नेताओं ने गुस्सा जाहिर किया। अब बीजेपी ने उन्हें आगे इस तरह के बयान न देने की हिदायत दी है और कहा कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है और यह बीजेपी का बयान नहीं है। वही अब कंगना रनौत का जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर जो बयान सामने आया है, उस पर जमकर हंगामा मचा हुआ है।